वायु में मौजूद कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के विषाणु तत्वों के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। वायु में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर विकारशील तत्वों को जनन तंत्र में प्रवृत्त कर सकता है और प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। ये है सुखदेव तनेजा चैनल। आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव ये हो सकते हैं। एक वायु में मिश्रित कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण श्वास ग्रहण तंत्र के विकार हो सकते हैं, जो श्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दो, वायु में मौजूद विषाणु तत्वों के कारण दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये दिल की धड़कन को अनियंत्रित कर सकता है और दिल के रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। तीन, वायु में मौजूद कई विषाणु तत्व फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फेफड़ों की रोगों का खतरा बढ़ा सकते हैं। चार, वायु में मौजूद विकारशील तत्वों के कारण त्वचा पर जलन, सूजन, रोग और राशियों की समस्याएं हो सकती हैं। पाँच, वायु में मौजूद कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के विषाणु तत्वों के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। छह, वायु में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर विकारशील तत्वों को जनन तंत्र में प्रवृत्त कर सकता है और प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। इन प्रभावों के साथ साथ वायु प्रदूषण का अधिक समय तक शिथिल होने पर लंबे समय तक विकारशीलता और जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो तो आप अपने घर में ही रहें और हो सके तो घर के दरवाजे बंद रखें और अपने कमरे में हवा साफ करने वाले पौधे रखें, तो इससे जो है आपका बचाव काफी हद तक हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग QR कोड। जितना आप डोनेट करोगे तो उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।